Good afternoon, everyone, and respected director, UC Human Resource Development Center, BHU. Myself, P.Prakash Rawat, assistant registrar accounts, Banaras University. My topic title is The New Eras of the Public Procurement Based on GFR-2017. सब चीज़ लिखा हुआ है, बस हिंदी में हम उसको थोड़ा सा बोल दे रहे हैं. काशी हिंदू विश्वविद्यालय शिक्षण शोध कार्यों के उन्नयन के क्रम में एक बड़ी राशि प्रत्येक वर्ष खर्च करता है. यह आवश्यक है कि यह खरीदारी एक समान व्यवस्थित दक्षतापूर्ण एवं प्रभावी लागत एवं विधि विधान से किया जाए. इंस्टीट्यूट फैकल्टी डिपार्टमेंट सेंटर यूनिट को फाइनेंशियल पावर डेलीगेशन के अंतर्गत सामानों की खरीदारी करने के लिए अधिकृत किया गया है. विश्वविद्यालय की खरीदारी पारदर्शिता के ढंग से लाने हेतु सिस्टम में प्रतियोगिता निष्पक्षता एवं मनमानापन को रोकने हेतु व्यवस्थित होनी चाहिए. फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द पब्लिक बाइंग. इस प्रकार विश्वविद्यालय खरीदारी का जो सबसे व्यवहारिक प्रतिमानक तरीका है, उसके द्वारा व्यवस्था में कार्यकुशलता, बचत एवं जवाबदेही आदि निश्चित रूप से स्वीकृत नियमों का पालन करता है. प्रत्येक DDO जिसे सामान खरीद का जो वित्तीय अधिकार सार्वजनिक हित के अंतर्गत अधिकृत किया गया है, उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही दक्षता, बचत, पारदर्शिता आदि सार्वजनिक खरीदारी हेतु आवश्यक सप्लायर्स का स्पष्ट एवं सामपूर्ण व्यवहार तथा प्रयोगी स्पर्धा की सार्वजनिक खरीदारी के लिए आवश्यक है. जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 ये जो हमारे BHU में जो है 8/6/2017 को लागू किया गया और इसके साथ गवर्नमेंट ई मार्केट प्रोक्योरमेंट का आधारभूत नियम जो JM के अंतर्गत आता है, इसका सर्कुलर जो है 16/10/2017 को किया गया. बेसिक ऑफ JM अंडर GFR-2017 के यदि गुड्स एंड सर्विसेज JM पोर्टल पर उपलब्ध है तो प्रत्येक डिपार्टमेंट के लिए आवश्यक है कि उसे JM द्वारा ही प्रोक्योरमेंट करेगा. 50,000 तक JM पर उपलब्ध सप्लायर्स द्वारा अपेक्षित गुण विशेषता सुपुर्दगी आदि पर प्रोक्योरमेंट की जा सकती है. अब 50,000 एवव एंड 30 लाख JM सेलर जो लोएस्ट प्राइस पर सामान उपलब्ध करा सकता है. कम से कम 3 भिन्न भिन्न मैन्युफैक्चरर JM मीटिंग पर अपेक्षित गुण विशेषता सुपुर्दगी के आधार पर सामान का प्रोक्योरमेंट करने का प्रावधान है. 30 लाख से ज़्यादा का प्रोक्योरमेंट सप्लायर्स के द्वारा लोएस्ट प्राइस मीटिंग के आधार पर अपेक्षित गुण और सुपुर्दगी अवधि के पहले आवश्यक है कि बिड्स द्वारा प्राप्त करने हेतु JM पर ऑनलाइन बिडिंग प्रक्रिया अपनानी होगी. रजिस्ट्रेशन फ्रॉम प्रोसेस ऑन JM. JM में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का तरीका है कि सबको जो है उसमें ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट को हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि वो जो है बायर और कंसाइनी के रूप में क्रेता विक्रेता के रूप में वो रजिस्टर्ड हो जाए. रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिशियल ईमेल ID ज़रूरी है. उसके बाद जो आधार कार्ड को लिंक करना होता है मोबाइल से. रजिस्ट्रेशन के बाद जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद जो है ज्वाइंट रजिस्ट्रार अकाउंट से अथराइजेशन सर्टिफिकेट लेनी पड़ती है. तब वो बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट के थ्रू जो है प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया अपनाते हैं. वेबसाइट जो है JM पोर्टल की है www.jm.gov.in. फॉर एनी क्वेरी अगर इस तरह का कोई भी दिक्कतें आती है तो आप जो है सेंट्रल परचेज अफसर या असिस्टेंट रजिस्ट्रार CPO से मिल सकते हैं. इस संदर्भ में हम लोग ने बहुत से हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो JM पर रजिस्टर्ड नहीं हो रहे हैं. वो कहते हैं हमारा कार्यकाल 2 महीना है, 1 साल है, 2 साल है. तो ऐसी सुविधाएं हम लोग उपलब्ध कराए हैं कि अगर वो चाहें तो हमें रिक्वेस्ट लेटर दे दें तो हम JM से उसको जो है प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं, उनके सामान को जो है परचेजिंग कर सकते हैं, उनके अकाउंट से पेमेंट कर सकते हैं. प्रोसीजर एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जैसा कि आप इसको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि 25,000 तक किसी भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट को जो है ये परचेजिंग करने का पूरा अधिकार है, बशर्ते वो GFR सर्टिफिकेट जो लिखा हुआ है ये चीज़ उसके साथ रहना चाहिए. IAM पर्सनली सर्टिफाइड दैट दिस गुड्स परचेज आर ऑफ द रिक्विजिट क्वालिटी एंड स्पेसिफिकेशन हैव बीन परचेज फ्रॉम रेगुलर सप्लायर्स एट ए रिजनेबल प्राइस.
और इसके बाद 25,000 से 2,50,000 तक आप जो है लोकल परचेज कमेटी के द्वारा उसके को खरीद सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोटेशन कॉल करने के लिए हमें, जैसा कि हम आगे बताएंगे, कम से कम 21 दिन का समय चाहिए। कभी कभी ऐसी ज़रूरतें पड़ जाती हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन में आपके पास इतना समय नहीं रहता है, तो आप जो है स्पॉट परचेज कमेटी, एक दिन में आप सामान की परचेजिंग कर सकते हैं। स्पॉट परचेज कमेटी बनाइए, उसमें एफओ नामनी को लीजिए, एफओ नामनी के थ्रू जो है सामान का परचेजिंग मार्केट में जाके आराम से कर सकते हैं। परचेज ऑफ गुड्स बाय ऑब्टेनिंग बिड्स, द फॉलोइंग आर स्टैंडर्ड मेथड्स ऑफ द ऑब्टेनिंग बिड्स: एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी, टू स्टेज बीडिंग, सिंगल टेंडर इंक्वायरी। एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी के अंतर्गत है 25 लाख या उससे ऊपर, इस तरह की विधि को अपनाना पड़ेगा एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी के, ये हाँ। और उसमें जो है सेंट्रल पब्लिक प्रिक्योरमेंट पोर्टल पर एडवर्टाइज का करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जेम में करना पड़ेगा, इस तरह की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी और अपने वेबसाइट पर भी इसको डालना पड़ेगा। और इसके बाद देख लीजिए, वेयर द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट फील्स दैट गुड्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वालिटी स्पेसिफिकेशन ETC मे नॉट बी अवेलेबल इन द कंट्री और लेस कंपटीशन इज अवेलेबल हियर, द टेंडर नोटिस मे सेंड टू इंडियन एम्बेसी अब्रॉड एज वेल एज टू द फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया। इसके बाद जैसा कि हम अभी बताए हैं कि जो भी कोटेशन आप कॉल करेंगे तो 3 वीक का समय चाहिए, 3 वीक्स के बाद ही आप उसको ओपन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखने की जरूरत है, अगर आप कोटेशन 5 मंगाते हैं और 5 अगर 10 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर भी आ जाता है तो आप कोटेशन ओपन कर सकते हैं, बस इतने सारे कोटेशन आ जाने चाहिए। अगर एक भी कोटेशन नहीं आएगा तो आप उसको 22वें दिन ही आप मीटिंग बुला के उसको ओपन कर सकते हैं। ये प्रक्रिया लिमिटेड टेंडर कमेटी इमरजेंट पोजिशन में 25 लाख से ऊपर भी आप कर सकते हैं ऐसे पोजिशन में। अच्छा, टू बीड सिस्टम है, टू बीड्स में जब भी आप कोई भी परचेज करते हैं हाई वैल्यू प्लांट मशीनरी, तो आप एक टेक्निकल बिड्स मांगेंगे, दूसरा फाइनेंशियल बिड्स। टेक्निकल बिड्स जब वो सारे फॉर्मेलिटी या स्पेसिफिकेशन जो फुलफिल करेगा तभी आपके फाइनेंशियल बिड्स आपको खोलना पड़ता है। सिंगल टेंडर इंक्वायरी में जब भी इस तरह की चीज़ें होती है तो एक ही इंक्वायरी आती है, वो भी उसको प्रोप्राइटरी आइटम कहते हैं, जो एक ही जो है मैन्युफैक्चर बनाता है ऐसे केसेज में, और उसके सर्टिफिकेट उनको भी देना पड़ता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को भी देना पड़ता है। और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी आइटम्स या इक्विपमेंट आप मंगाते हैं उसके बाद वारंटी गारंटी पीरियड जब ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद जो है एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, जो आप जो है उसके हिसाब से करते हैं GFR-2017 के हिसाब से, 169 के हिसाब से, बहुत जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, अक्सर हम लोग देखते हैं, हम ट्रेड बिल में हैं वहाँ देखते हैं बिल जो है बहुत से ऑब्जेक्शन में आते हैं। मैंने उसमें एक बहुत मेहनत किया है, काफ़ी तैयारी की है, हम जो एक चेकलिस्ट बनाए हुए हैं और उसमें हम जो उसमें सारी चीज़ें डाल दिए हैं कि अगर इस तरह की आप कार्रवाई करेंगे, अगर अवेयरनेस रखेंगे तो आप कभी भी बिल ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, सारे बिल पास हो जाएंगे। जिससे एक बार हम इसको देख लीजिए, यू आर स्ट्रिक्टली अधेयर द वेरियस रूल्स एंड लेड डाउन इन GFR-2017 एंड ऑल्सो सजेस्ट द यूनिवर्सिटी कमिटी टू अधेयर द सेम। हाउ एवर वी आर प्लानिंग टू प्रिपेयर ए चेकलिस्ट फॉलोड बाई दिस स्लाइड विथ व्यू ए मिनिमाइज द ऑब्जेक्शंस ऑब्जर्वेशंस मे ऑकर वाइल पासिंग द वेरियस बिल्स एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ वेरियस परचेज ऑर्डर ड्यू टू द ओवरसाइट बाई द यूजर्स एंड दस द ट्राई टू सर्व द यूनिवर्सिटी कम्युनिटी लेवल बेस्ड फ्रॉम द फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू। हमने एक जो है ये देखिए बनाया है, ये हम 15 बनाए हुए हैं, ये फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, ये 15 है। अगर ये 15 को आप फॉलो करेंगे तो आपके बिल ऑब्जेक्शन में नहीं आएंगे। जैसे कि वाई चांसलर साहब, हम लोग एक दिन मीटिंग हुई थी वाई चांसलर साहब के साथ, बताए थे मैं 24 प्रोजेक्ट करके आया हूँ और कभी कोई दिक्कतें नहीं आई। तो हम लोगों ने इस सब चीज़ को एक कमेटी बनाई है और हम लोगों ने ये सब चीज़ें कहा है। सर पढ़ने का 2 मिनट टाइम है, अच्छा तो इसको देख लीजिएगा आप लोग, है ना, क्योंकि प्रोजेक्ट सबको मिलेगा। यहाँ जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो क्या है कि उनको प्रोजेक्ट करना ही करना है, तो ये सब चीज़ें अक्सर आती हैं, समस्याएँ आती हैं, तो ये सब चीज़ें देख लीजिएगा आप लोग। हाँ, ये हम 15 हमने लिखा है, बड़ी मेहनत किया है ये सब चीज़। और इसके बाद देखिए रजिस्ट्रेशन में जाता है, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी होती है,
आर अकाउंट का 50,000 से ऊपर होगा रजिस्ट्रेशन होगा. अब हम लोग 2.5 लाख वन कर दिए हैं, मतलब वो 2.5 लाख, और इसके बाद प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट में 1 लाख से ऊपर होगा तो रजिस्ट्रेशन में आएगा, रजिस्ट्रेशन मस्ट है. तो इसलिए ये भी रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने 15 पॉइंट डाल दिया है सर. और ये चीज़ अगर ध्यान रखेंगे तो आपके बिल ऑब्जेक्शन में नहीं आएगा. 99% मेरा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके बिल मैं प्रोसेस कर दूँगा, कहीं आपको रुकेगा नहीं. ये थैंक यू सर.